हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट क्या है, आज की लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बताई जाती रहे। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है। जैसा कि आप लोग आज का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, 460 केंद्रों पर होगी चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा। प्रवक्ता कॉमर्स का साक्षात्कार 5-6 अगस्त को होगा। तो यहाँ पे बात कर ले, पहले प्रवक्ता कॉमर्स की बात कर लें तो साक्षात्कार जो है आपका वो 5 और 6 अगस्त को होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता कॉमर्स का साक्षात्कार 5 और 6 अगस्त को है। आयोग की ओर से साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थी तय तिथि से पहले साक्षात्कार ज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करें दूसरी न्यूज की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 7 एवं 8 अगस्त को होने वाली टीजीटी परीक्षा प्रदेश के 460 केंद्रों पर होगी। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी के 12,603 पदों के लिए कुल 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए 4,75,000 आवेदन आए हैं। युवा मंच ने तत्त शिक्षकों के पद को भर्ती में जोड़ने के लिए मांग की है। चयन बोर्ड की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर बंद होने की शिकायत भी परीक्षार्थियों ने की है। तो यहाँ पे युवा मंच की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम डेट और केंद्र भी निर्धारण हो गया, एडमिट कार्ड भी आ गया। बहुत ही कम संभावना है कि आप लोगों की परीक्षा जो है वो कैंसिल हो। देखिए क्या होता है, जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़ आपको बताई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।